सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज हमारे पास आई हुई है न्यू वाली होंडा सिटी, यानी कि जितने भी लोग चाहते थे कि भाई न्यू होंडा सिटी का ऑडियो सेटअप हम लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो मोटर कॉन्सेप्ट वाले भैया के वाया जो है ये पहुंच चुका है। अब आप लोग बोलोगे भैया और मेरी जो कपड़ों की कलेक्शन है वो कम हो गई है, या फिर हम लोग जो है वो रोज मतलब एक ही दिन पूरी सारी वीडियो बनाते हैं, तो जिस दिन हमारे पास ज़्यादा कंटेंट होता है उस दिन हम आप लोगों के लिए ये कंटेंट को शूट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाजी जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है क्या रियलिटी है उसके बारे में थोड़ा बताओ। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन इज कि गोइंग फॉर अ प्योर साउंड, मतलब ही वांट एसक्यू और एसपीएल, एसक्यू प्योरेस्ट एसक्यू, बेस उतना नहीं चाहिए जितना बेस्ट मिड बेस आ सके उतना चाहिए, ठीक है। द इशू वाज कि हाँ, हमने इनिशियल एक बजट डिस्कस किया, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम दो कंपोनेंट और एक एम्प जाएं, या फिर अभी हम चार अच्छे कंपोनेंट्स पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो हमने सेकंड डिसीजन लिया कि हम और बेटर कंपोनेंट्स पे, पहले हमारी कॉल चल रही थी कि हम मर्करी का कंपोनेंट सोच रहे थे, फिर हमने कंपोनेंट ऑफ ग्लैडन की आरएस लाइन हमने इसमें चूज करी है, ठीक है। तो इसमें अब हम फ्रंट एंड रेयर कंपोनेंट लगा रहे हैं प्लग एंड प्ले विद प्रॉपर डैम्पिंग, तो ये आज का हमारा, तो मतलब इसके अंदर हम लोग किसी भी तरह का एम्पलीफायर नहीं यूज कर रहे अभी एट प्रेजेंट, हम कोई एम्पलीफायर नहीं लगा रहे, लेकिन हाँ वी वॉन्टेड द बेस्ट स्पीकर जो स्टॉक में भी अच्छा परफॉर्म कर दे। तो ग्लैडन आरएस लाइन हमारे में आई थिंक इसके बाद सिर्फ एक एडीसी कार्बन एडिशन रहती है जो प्लग एंड प्ले में एक डिसेंट परफॉर्मेंस रहती है, अदरवाइज टॉप लाइन में ग्लैडन आरएस इज वेरी गुड प्लग एंड प्ले में भी, लेकिन ऑब्वियसली एम्प के साथ आपने काफ़ी वीडियो में सुना हुआ है, एम्प के साथ वो सुपर हो जाती है। तो आज हम न्यू होंडा सिटी में एक प्लग एंड प्ले सेटअप करके दिखा रहे हैं, इसमें हम बहुत अच्छे सेटअप में जा रहे हैं। हम अभी डिस्कस करेंगे कि और कौन से स्पीकर्स हैं जो हम इसमें प्लग एंड प्ले अच्छा कर सकते हैं। करेक्ट, अभी तो हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है, मीन में अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने हमारी फेवरेट CTK की जो है डैम्पिंग कर रखी है। पाजी कलर को क्या बोलते हैं CTK की डैम्पिंग? ब्लैक नियॉन, ब्लैक प्रोफेशनल सीरीज दोनों बोलते हैं, ब्लैक प्रोफेशनल सीरीज हम कहते हैं। तो CTK में बहुत ही अच्छी डैम्पिंग ये मानी जाती है, प्रीमियम काइंड ऑफ अ सीरीज में आती है, तो हमारा काफ़ी इस पर कॉन्फिडेंस है इसका। करेक्ट, सो ये आप लोग जो है यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हेड यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इनकी ये स्टॉक हेड यूनिट है, तो भाई हमें इसमें किसी तरीके का भी कन्वर्टर और वो चीज़ें लगाना अभी पड़ रहा है? कुछ भी नहीं लगाना पड़ रहा, हम सीधा इसमें प्लग एंड प्ले करेंगे, तो कोई हमें ऐड ऑन नहीं है, सिर्फ हमारे जो फ्रंट के आई थिंक ट्विटर्स है वो विजिबल होंगे, ठीक है, जिसे हम एंगल माउंट करने का प्लान कर रहे हैं आगे, ठीक है, वैसे वो यहाँ पर होते हैं। तो स्टॉक में उन्होंने बहुत अच्छा ट्विटर पॉड दिया हुआ है, हमने काफ़ी सारी टॉप मॉडल कार्स भी करी हैं, तो उसमें बहुत अच्छा ट्विटर पॉड दिया था जिसमें हम प्रॉपर ट्विटर प्लेसमेंट करते हैं जो कि स्टॉक लगता है। अब इसमें हमारे पास स्टॉक लोकेशन नहीं है, तो हम ए पिलर में फैब्रिकेट करके जो भी इसका एंगल पॉड आता है उसके साथ इसको मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो गाइस, अब हम लोग आप लोगों को जो है एक प्रोडक्ट रेंज यहाँ पर चेक करा देते हैं। ऑप्शन है CE 165 आप लोगों का एरीज ग्लैडन का, और साथ ही साथ में सनडाउन का SA 6.5 CS जो वर्जन 3 हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारे पास सारे ऑप्शन थे जो हम प्लग एंड प्ले के लिए जा सकते थे, प्लग एंड प्ले में हम जा सकते थे, ठीक है। और ये दो हमारे हमेशा से फेवरेट रहे हैं इस रेंज में, क्योंकि ये थोड़ी सी ना इजी रेंज में आ जाता है, मैं कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बहुत ही एंट्री लेवल है, दे आर प्रीमियम कंपोनेंट्स, तो अराउंड 15-20 के रेंज में जब आप डिस्कस करते हो एक अच्छे कंपोनेंट और प्लग एंड प्ले में होंडा सिटी में हमने अब दिखा रहे हैं, लेकिन हमने जितने भी इंस्टॉल किए हैं बेसिक्स में हमने ये सारे दोनों कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं। आज जो था टेस्ट उनका थोड़ा सा प्रीमियम था, क्योंकि वो हमारे से एक गाड़ी में मर्करी लगा चुके, तो फिर हमारी जो टसल थी आज की एक्चुअल टसल थी वो हमारी ग्लैडन आरएस सीरीज और सनडाउन की एसए सीरीज। ग्लैडन बाजी चेक कराए थे जो वो लगा रहे, एक बार ऊपर रख के इधर दिखा दीजिए। अब जो हमारे हमने ये दिखा दिया कि ग्लैडन लगी रहे हैं, सस्पेंस हमारा टूट चुका है, ठीक है। तो ग्लैडन आपने बोल तो दिया अभी वीडियो में, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सस्पेंस हमारा टूट चुका है, ग्लैडन ही लग रहे हैं। और भाई ये सेटअप क्या कुछ कॉस्टिंग का, एक बार थोड़ा आइडिया दो ना। देखिए प्लग एंड प्ले के हिसाब से ये देखिए सेटअप कॉस्टली लगेगा, लेकिन आप देखिए कि वो जो कस्टमर है वो ऑडियो फाइल सेटअप क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मेरा ऑन एंड ऑल जो ओवरऑल बजट होगा वो अप्रॉक्सिमेटली 1.5 के करीब होगा, ठीक है। तो इवेंचुअली जब उन्होंने 1.5 को, तो आई एम श्योर कि वो इन फ्यूचर मॉस्कोनी का ही एम्प प्लान कर रहे हैं। तो अभी जो हम दो स्पीकर्स विद प्रॉपर डैम्पिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एटलीस्ट अराउंड 75,000 के करीब कर रहे हैं। बहुत लोगों को देखिए ये कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी, और ज़्यादा है भी। देखिए जब आप ऑडियो फाइल चीज़ों में जाते हैं तो कॉस्टिंग थोड़ी सी प्लस होती हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी भी जो मैक्सिमम इंस्टॉलेशन हुई हैं जो होंडा सिटी को लेके हुई हैं, तो वो एरीज और मर्करी है, जो कि ये प्लग एंड प्ले इंस्टॉल ऑलमोस्ट हमारा 40 के अराउंड हो जाता है, तो ये हमारा एक डिसेंट है। इससे भी नीचे जब हम आते हैं तो हमारे पास दो तीन वेराइटीज़ हैं, जैसे हमने बेसिक रेनबो भी दिखाया था, मॉरेल का भी दिखाया था,
और ये हीलिक्स का, और सबसे अच्छा जो हमने पहले भी एक प्लग इन प्ले में इससे लेवल नीचे जाओ तो एक एक्सेलसस का कंपोनेंट आता है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एक्सपी सीरीज, ये भी हमने बहुत दिखाई है। तो ये जो होती है ये ऑलमोस्ट हमारी स्टार्टिंग क्वालिटी सीरीज होती है, जो मैं कहता हूँ अराउंड 25-30,000 में आपको ब्रिलियंट प्लग एंड प्ले मिल जाएगा। उसके बाद ये आता है 40 समथिंग में, और आज जो हम प्लग एंड प्ले कर रहे हैं वो अराउंड 75 की जेन कर रहे हैं, वो ग्रेडर आर एस लाइन है, वो हम फ्यूचर प्रूफ करने जा रहे हैं। मे बी वो ये भी लगा लेते थे, लेकिन हमें इन फ्यूचर क्वालिटी सेटअप चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रेडर आर एस लाइन की मिड बेस इज स्टूपेंडस क्वालिटी मिड बेस है इसकी, फाइबर कोर में आप देखेंगे इस बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ है, अगर आप इसके ट्विटर और वो भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन स्पीकर हैं, और ये इन वन ऑफ द वाइडेस्ट सेलिंग इनके कॉम्पोनेंट्स हैं, देखेंगे ब्रॉड रेंज इनका। ये सबसे अच्छी जर्मन्स की ये बात होती है कि जो उनकी वायर्स भी होती है ना, उनकी वायर्स की क्वालिटी भी प्योर कॉपर क्लैडेड होती है, और ये देखिए वेरी नाइस, इंप्रेसिव, मतलब देखने से इंप्रेसिव है। देखिए मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स हैं ग्लैडन और मॉस्कोनी, मुझे कभी भी सेल करना नहीं पड़ा कस्टमर्स को, करेक्ट, दे ऑलवेज जो स्टडी करके आता है, जो इनकी रिसर्च करके आता है, वो 90% इसी सामान में सोल्ड आउट रहता है। चलो ठीक है, ये तो हो गया ये चीज, अब एक बार हम जिनकी ये गाड़ी, एक बार उनसे बात करें। ठीक है, एक बार उनसे बात करते हैं। अभी हम थोड़ा सा इनिशियल फीडबैक ले लेते हैं गाड़ी के जो ओनर है, एक बार बता दीजिए कौन ओनर है पहले। ठीक है, एक बार नाम बता दीजिए सर। शिवांग शर्मा नाम है भैया मेरा, गुड़गांव से हूं। ठीक है शिवांग भाई, हमारे साथ एक बार नाम बता दीजिए। योगेश। योगेश भाई है जी। ठीक है, तो तीनों भाइयों ने मोटर कॉन्सेप्ट से पहले काम कराया हुआ जी। आपने भी करा रखा है? आपने भी करा रखा है? ये मेरा फर्स्ट टाइम भैया, का फर्स्ट टाइम लेके आए साथ में इसको। ठीक है भैया, लेके आए रिकमेंडेशन, जैसे बोलते हैं कि यार कि कुछ अच्छी चीज होना चाहिए। सबसे पहले जो स्टॉक गाड़ी के अंदर स्पीकर्स मिलते हैं, जो ट्विटर्स का पूरा एक कहते हैं कि ओवरव्यू है, वो क्या है, मतलब अच्छा था, बुरा था, एवरेज था, या फिर सुनने लायक ही नहीं था? मतलब अपनी चॉइस के हिसाब से तो बिल्कुल ही सुनने लायक भी नहीं था, मतलब फटती थी आवाज, क्रैकल था, तेज करने में क्या होता था, क्रैकल, मतलब इन्होंने बेस थोड़ी बहुत ही ज्यादा ओवरपावरिंग है, वोकल्स की कोई क्वालिटी नहीं है, तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कह सकते हैं कि कंपनी ने यहां पर कॉस्ट कटिंग करा। ठीक है, तो उसके बाद क्या आप लोगों ने रिकमेंड करवाया भाई लोगों को कि ये करवाना चाहिए? तो यहां पे आए थे तो पहले काम क्या कराया हुआ है, तो वही। ठीक है, आपने अपना फीडबैक दिया, आपने क्या लगवाया था अपनी गाड़ी में जिस टाइम? मेरा जेल था। आपने जेल लगाया था, आपने क्या लगवाया? सेम आप लोगों का सेटअप जो है वो बिल्कुल सेम था। आपने जो है ग्लैडन चूज किया, अब ग्लैडन का भी जैसे पाजी है और हम रिकमेंडेशन करते हैं, स्पेशली अगर होंडा सिटी होती है तो हम लोग बोलते हैं कि आइदर यू कैन गो फॉर एरीज के लिए आप लोग जा सकते हैं, या फिर आप लोग मर्क्यूरी CE 165 के लिए जा सकते हैं, तो आपने ग्लैडन का क्यों चॉइस बनाया थोड़ा सा? भैया एक्चुअली मैं थोड़ा म्यूजिक एंथुसियास्ट हूं हमेशा से ही, दैट हैज बीन माय फर्स्ट प्रायोरिटी, तो उस हिसाब से हमेशा चूज करना चाहता था कि मैं एक प्रीमियम सेक्शन में जाऊँ। तो भैया ने जो बहुत सारी हमने बात करी, भैया ने एडवाइस दी कि आपको कैसा म्यूज़िक सुनना है, और मेरे इनपुट्स लेके फिर उन्होंने बताया कि ग्लैडन एक अच्छा एंट्री लेवल प्रीमियम एक्सपीरियंस देगा। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपकी गाड़ी में जो भी चीज़ हो रही है दैट इज़ प्लग इन प्ले, प्लग इन, मतलब जो भी पार आ रही है, जो भी चीज़ हो रहा है, ना हमको इसके अंदर कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, ना कोई चीज़ का हम लोग मतलब कुछ ऑल्टरेशन नहीं है, करेक्ट, सीधे एक प्लग आया और सीधे लग के जो है वो प्लग इन प्ले हो जाएगा। तो इसके पीछे भी कोई रीज़न था कि एम्पलीफायर नहीं लगाना है ऐसा कुछ है? भैया कोई ऐसे स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, अभी हम पहले जो ग्लैडन लगवाया है उसको करना चाहते हैं एक्सपीरियंस उसका एक, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल मूव करने के लिए देन वील यू नो कम अगेन एंड यू नो टेक दिस। अब जैसे आपके जो ए पिलर्स है उसके ऊपर जो है हम लोग माउंट करने वाले, आपके ट्विटर्स जो है, ये लोकेशन आपको पता होगा कि हम ए पिलर्स में जो है लोकेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन है कि उसमें आवाज में कितना अच्छा कुछ फील आने वाला है? क्योंकि भैया मेरे को लगता है कि वो एंगल्ड रहते हैं थोड़े, तो मेरे को लगता है कि वो जो आपके फेस पे पड़े, सो दैट इज मोर इंपैक्टफुल रादर देन कि आप ट्विटर की प्लेसमेंट को कहीं और करें, तो उस पर्सपेक्टिव से इट इज अ गुड चॉइस टू गो फॉर अ पिलर साउंड। चलो आप लोगों को मैंने पूरा फीडबैक दे दिया जितना ए टू जेड हो सकता है, बाकी जब हो जाएगा काम एक बार आप लोगों को तब आउटपुट सुनाते हैं। तो गाइज मीनवाइल जो है हमारी होंडा सिटी वाला जो पूरा प्रोसेस है वो चल रहा है। मीनवाइल हमारे पास आई हुई है एक इटियोस, जिसके अंदर हम लोग एक फुल प्रूफ ऑडियो सेटअप कर रहे हैं। खासियत क्या है इस सेटअप की मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इस गाड़ी के सेकंड रो के अंदर आप लोगों को कंपोनेंट्स की जो प्लेसमेंट है वो नहीं मिलती है, इवन इसमें जो जगह दी जाती है वो पीछे की तरफ दी जाती है, फ्रंट में जो है इसकी लोकेशन ये आप लोगों की स्टॉक वाली रहती है। तो पाजी सबसे पहले कस्टमर के बारे में जानना चाहूँगा, जितनी आपने रीडिंग करी है कस्टमर के बारे में उनकी क्या नीड है? ये कस्टमर बहुत ही चिल्ड आउट है, उनकी नीड बहुत ही सिंपल है कि उनको एक अच्छा ऑडियो चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ब्रांड फैनेटिक नहीं थे या बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने ट्रस्ट किया। तो अभी हमने चार कंपोनेंट्स डुअल एम्प और एक सबवूफर का प्रॉपर सेटअप इसमें हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जो हमने कंपोनेंट लिए हैं वो ग्राउंड जीरो की इरिडियम सीरीज के कंपोनेंट हैं चारों,
ठीक है, और हैमरटेक के दोनों एम्प है, 4 चैनल और मोनो, ठीक है। राइटिंग डीडी का रेड लाइन बुफर होगा इन अ सील्ड एनक्लोजर, डैम्पिंग हम एसटीपी की पूरी कर रहे हैं और वायरिंग अभी प्रॉपर है, तो इन प्रोसेस है, पीछे थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें क्योंकि एक मिनट थोड़ा सा भैया आप साइड हो जाएंगे एक बार, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी कटिंग करके इसको लगा के दिखाइए कैसा लगता है भैया। तो इसको पाजी हम डायरेक्ट लगाएंगे, इसमें वाटर गार्ड लगाया जाता है, इसमें वाटर गार्ड पीछे से फ्रेम देना पड़ता है अगर जरूरत पड़े, और ऊपर से ओरिजिनल ग्रिल लग जाती है, तो लुक काफी नीट आती है। मैंने पहले भी दिखाया कि मैंने अपनी अमेज में भी ये किया हुआ है, और पहले भी हमने लीवा एक दो दिखाई है जिसमें इस तरीके एक काम करते हैं कस्टमर के पास चलते हैं उनका फीडबैक लेते हैं। सो गाइस हमारे साथ सर है जिनकी गाड़ी, एक बार नाम बता दीजिए। भैया मेरा नाम कौस्तो है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। ठीक है कौस्तो भाई, गाजियाबाद से काफी दूर से हमारे पास आए हुए, और जिस दिन हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं उस दिन ईद वाला दिन है, ऑल्दो आपके पास ये वीडियो हो सकता है 10 दिन बाद 15 दिन बाद आ रही हो। तो कौस्तो भी सबसे पहली चीज मेरे को बताइए, इटियोस के साथ में जो भी स्टॉक आप सुन रहे थे उसमें क्या परेशानी आ रही थी? भैया वो था तो बिल्कुल बेकार ही, बट ये था कि अब काफी टाइम लगा था तो नई गाड़ी खरीद के एकदम से हिम्मत नहीं होती, ठीक है कि करा लूं, बट स्टिल ये पता था कि इधर काम अच्छा होगा और आप ही की वीडियो से देख के आ गया था, तो अब की बार आ गया तो करवा रहा हूँ फाइनली काम। और मैं पर्सनली बताना चाहूंगा कि भैया ने अपना एक बजट सेट किया, भैया ने उससे ऊपर अपने बजट को लेके गए, जितना मैं भी सुन पा रहा काइंड ऑफ डबल ही चला गया जितना मैं सोच के आया था। ठीक है डबल चला गया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को वो फील आने वाली है? हाँ मेरे को अभी तो काम हो रहा है, मेरे को अभी से ही लग रहा है कि हाँ अच्छा ही बजेगा। दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है तो भैया जो है चिल कर रहे हैं बैठ के आराम से, और एक्सपेक्टेशन हमेशा यही है कि क्लैरिटी ज्यादा चाहिए या बूफर का साउंड ज्यादा चाहिए? क्लैरिटी भी मेरे को, मैंने भैया से बोल दिया था कि भैया ने पूछा था कि क्लैरिटी चाहिए या बेस ज्यादा चाहिए, तो मैंने बता दिया था कि मेरे को पर्सनली क्लैरिटी ही ज्यादा। चलिए बाद में भैया से थम्स अप भी लेंगे जब पूरा ऑडियो सेटअप अच्छा हमको लगेगा तब आपको। आप लोगों ने आउटपुट जो है वो इटियोस का सुन लिया है, अगेन सबसे पहली चीज मैं जो जानना चाहूंगा कि आपकी गाड़ी में, मैं आपको दिखाता हूं पहले इधर से, अगर दिखता है तो यहां पर आप लोगों को जो है भाई के कंपोनेंट्स लगे हुए देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपने किसी इटियोस में ऐसा कुछ लगा हुआ देखा? नहीं भैया, मैं मतलब अपने में जितने मैंने देखे मेरी फर्स्ट है, पहली गाड़ी है, तो मतलब भाई फील कैसा है भाई कि मतलब जो फिटिंग है जो लुक है पूरा ऐसा लग रहा है कंपनी लगा के दिया है? प्रॉपर कंपनी वाली फिटिंग ही लग रही है, बस ये है कि थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, बट वो चलेगा, पता भी चलेगा कि मैंने अच्छा काम करा रहा। अच्छा काम, देखो ना आप नॉर्मली देखोगे अगर तो ये इसके साथ मिल रहा है, तो मिक्सर तो अगर आप देखोगे तो ब्लैक का जो मिक्सर है वो बिल्कुल परफेक्ट इसके साथ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और बाकी इस गाड़ी में फ्रंट में कंपोनेंट लगाने का ऑप्शन मिलता है, रियर में इसमें जो बिल्कुल लास्ट में आपको वो जो कहते हैं ना वो टंगने वाले जो होते हैं उसका ऑप्शन मिलता था, तो भाई ने बोला कि भाई कुछ डिफरेंट करना है, एंड अगेन दिल खोल के ऑडियो सेटअप कराया है, वैल्यू फॉर मनी चीज करवाई है, कैसा आपको रिस्पॉन्स लगा? भैया मेरे को अच्छा लग रहा सच्ची में, मतलब हाँ बहुत अच्छा है, सुनने में तो मतलब बहुत ही अच्छा है और पैसों के हिसाब से भी अच्छा है। मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मिल गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, गाड़ी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आई होप कि आप लोगों ने आउटपुट जो है वो सुन लिया होगा।
तो अब सबसे पहले हम लोग जो है फीडबैक के बारे में बात करते हैं, जिनकी गाड़ी है भाई पहले जो था जो अब हुआ है उसमें 100 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे भैया? 150 रेटिंग, 150 है, बहुत ही मजेदार, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा। भैया हमने कोई पैसे नहीं दिए भैया को, ना कोई ऑफ दिया, सब फ्री ऑफ, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ सच्ची सच्ची बात है भाई, मैं तो देना चाहिए बट बहुत मजा आया, स्पीकर की क्वालिटी और ये प्लग एंड प्ले, और प्लग एंड प्ले है तो अगर इसे बिल्कुल मतलब कि विदाउट एम्प और जो बस स्पीकर फिट कराए हैं उसमें जो मजा है इट्स इनकम्पेरेबल। ठीक है भाई, तो मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मतलब पावर अगर भैया कंपोनेंट में एम्पलीफायर्स की पावर और देते तो थोड़ा और मतलब देखिए इनको ये पता था कि एम्पलीफायर, लेकिन वही था ना कि इन्होंने इनकी ब्रांड न्यू गाड़ी है, थोड़ा सा वो चीज होती है भाई। वो भी नहीं थी डर, इनका था कि इनको गाड़ी सस्टेन करनी है फॉर नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। ओके, तो ये दो फेजेस में प्लान करेंगे, आज इन्होंने अब इनको चस्का लग गया, अब ये बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कैसा लगा भाई? भाई के पास जीएल है और उसके बाद आपने ये सुना, कौन सा अच्छा लगा पहले ये बताओ? मेरे वाला खराब है भाई वैसे कुछ नहीं बोल रहा मैं, लेकिन पर्सनल ओपिनियन ये था, भाई ने जब ये बोला ना कि जेल लगाया था, तो मैं बताना चाहूंगा फॉर अ क्लैरिटी, ये वीडियो में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, कई सारे लोग पाजी से भी एक्सपेक्ट करेंगे, पाजी के पास एक ही मॉडल होता है, स्पीकर सारे अच्छे हैं, जिस प्राइस पे है वो भी डिसेंट है, ठीक है, लेकिन वो है कि आप हर चीज रेफरेंस ओरिएंटेड हो जाती है, फर्क होता है, आज इनके पास तो रेफरेंस है फॉर बेटर स्पीकर्स, तो इन फ्यूचर जब भी ये प्लान करेंगे तो ये और बेटर इनको पता होगा। मोटी मोटी बात ये कह रहे हो कि जेएल भी अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, अपने वाला हम हटा देंगे जब बोलेंगे भैया, हम लोग मूड में आए थे कि हम लोगों की इसकी मतलब अब नेक्स्ट लेवल लेके जाना था हम लोगों अपनी कार को, तो भाई ने बोला कि नेक्स्ट लेवल करते हैं वाला, नेक्स्ट अब हमारी गाड़ी आपको ज्यादा भड़बड़ भूम नहीं चाहिए, नहीं यू वांट क्लैरिटी, क्योंकि मैं भैया को देखा थोड़ा ट्रांस वाला भी मजा लिया है आप लोगों ने, हाँ, बैठ के आपने पूरा वो आपने सुना वो ड्रॉप कब आ रहा है, ये ड्रॉप कब आ रहा है, वो पूरा क्लियरली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, पंच है ना जो बेस का, वो बेस का पंच आप फील कर सकते हैं स्पीकर्स के अंदर, जो नॉर्मली हम लोग और जेएल में तो नहीं इतना फील होता है, और बाकी स्पीकर्स तो चले जाते हैं वो तो फील होता ही नहीं है, बाकी स्टॉक से अभी चेंज होने वाले, नहीं बुराई मत करना, स्टॉक से जेएल वाले आ जाएंगे, स्टॉक से तो बहुत ऊपर है ना, चलो कोई बात नहीं, ये केवल एक भाई फ्रेंडली वाला कंपैरिजन है, अगेन भाई ने लगा रखा था, मैं क्लैरिटी के लिए बताना चाहूंगा, भाई ने अपनी गाड़ी में भैया से कंपोनेंट नहीं लगाए थे, भैया ने इनकी गाड़ी में डैम्पिंग करी थी, डैम्पिंग करी थी, सेटिंग भी करी थी, और वही मैं कह रहा हूँ इनका भी सेटअप डिसेंट था जब हुआ, आज ही उससे बेटर करवाने आए थे, सिंपल सा। चलो भाई ठीक है, तो ये हमने सेफ होने के लिए बोल दिया, बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, ये सारा काम मोटर कॉन्सेप्ट में हुआ, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मजा आता है सब चीजें देखने में और आप अपनी गाड़ी में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, ये गाइस मोटर कॉन्सेप्ट, मोटर कॉन्सेप्ट में भाई ये बहुत अच्छा फीडबैक है, मोटर कॉन्सेप्ट एनी टाइम मोटर कॉन्सेप्ट, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, हम लोग बिना सोचे आए थे, पहली बार भी बिना सोचे आए थे, अब दूसरी बार भी बिना सोचे आएंगे, अगली बार भी बिना सोचे आएंगे हम लोग। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब इंस्टाग्राम मुसाफिर तगैरा फेसबुक मुसाफिर कास्ट, सो विद दिस गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वाचिंग एंड एक बार ऐसे कर दो, बाय बाय बाय।